हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। आज कड़ी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज कड़ी जो राजस्थानी सॉन्ग पे स्पेशली स्टडी वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए। हर टॉप 10 की लिस्ट में अब नाम आ गयो मारो मारो। मैं सूटर में गुंडो जाना बन गयो प्यार में थारो। अरे सिस्टम हैक हो जावे जद हाथ लगावे। हेलो दोस्तों, इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको लेटर मोशन एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में जाना, वहाँ पर आपको सर्च कर देना rkediting.com, हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से आपको लेटर मोशन एपीके मोड है वो आपको डाउनलोड करना, जिसमें आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सॉन्ग वीडमार्क प्रेसेंट एंड सेगीपेड प्रेसेंट दोनों प्रेस्टों की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके यहाँ पर आपको सॉन्ग वीडमार्क प्रेसेंट को ओपन करना है। ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सॉन्ग और वीडमार्क किया मिल जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी लेयर भी ऐड की हुई मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो आपको एंड तक देखना। सबसे पहले आपको आना कुछ इस तरह से नीचे की साइड में। नीचे की साइड में होगा तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर की लेयर देखने को मिलेगी, जिस पर टाइप रहेगा एड वीडियो क्लिप। तो इस पर आपको क्लिक करना, कलर एंड फिल पर क्लिक करके स्टार वाला आइकन पर क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। फिर आपको एक 19 सेकंड का वीडियो कुछ इस तरह का ये वीडियो क्लिप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो क्लिप आपको सेलेक्ट करके प्लस वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका वीडियो क्लिप ऐड हो जाएगा। फिर बैक आ जाना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ऊपर की साइड में व्हाइट कलर की लेयर दिखी दे रही है, जिस पे टाइप रहेगा ऐड पीएनजी इमेज। तो इस पे क्लिक करना, कलर्स एंड फिल पे क्लिक करके स्टार वाला आइकन पे क्लिक करके ये वाला पीएनजी है ये आपको सेलेक्ट करके ऐड करना। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपका पीएनजी इमेज ऐड हो जाएगा। ये भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑल मटेरियल लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको पीएनजी इमेज ऐड करके बैक आना कुछ इस तरह से। बैक आके अब आपको यहाँ पे क्या करना, तो ऊपर की साइड में एक और व्हाइट कलर की लेयर दिखाई दे रही है, जिस पे टाइप रहेगा ऐड एक के 47 पीएनजी इमेज। तो इस पर आपको क्लिक करना कुछ इस तरह से, जो 47 का इमेज है ये आपको सेलेक्ट करके प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपका पीएनजी इमेज ऐड हो जाएगा। फिर बैक आ जाना। अब आपको यहाँ पे क्या करना, जो ऊपर की साइड में येलो कलर की लेयर दिखाई दे रही है, इनमें आपकी सॉन्ग की लिरिक्स है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, येलो कलर वाले लेयर पे क्लिक करना, एडिट टैक्स पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये वाला फ़ोन यहाँ पे यूज़ लिया है ये आपको फ़ोन सेलेक्ट कर देना कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्टाइल इंडी फोन में लिरिक्स देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगेगी। तो आपको भी ये वाला स्टाइल इंडी फोन है ये आपको डाउनलोड करना। डाउनलोड कैसे करना, कहाँ से डाउनलोड करना, इसके लिए मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बना के रखा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आसानी समझ आ जाएगा इस तरह का स्टाइल इंडी फोन आपको कैसे डाउनलोड करना और कहाँ से डाउनलोड करना। तो वहाँ से आपको ये वाला फोन डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना राइट वाला आइकन पे क्लिक, जिससे आपका फोन ऐड हो जाएगा। फिर बैक करना, फिर इसी तरह से एक एक करके सारी लेयर में आपको क्या करना है, स्टाइल हिंदी फोन है वो ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यहाँ से आ जाना आपको आगे की साइड में कुछ इस तरह से। यहाँ पे यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना, तो नीचे की साइड में एड वीडियो क्लिप है, इस पर आपको क्लिक कर देना। कसन फिल पर क्लिक करके स्टार वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सेकंड वीडियो क्लिप है, जो 10 सेकंड की रहेगी, ये आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद देन आपको कर देना प्लस वाला आइकन पे क्लिक, तो यहाँ पर आपका वीडियो क्लिप ऐड हो जाएगा। फिर बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ऊपर की साइड में ग्रुप फोटो है यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर की लेयर दिखी देगी, जिस पर टाइप रहेगा एड इमेज। तो इस पर आपको क्लिक करके कुछ इस तरह से जो भी आपको इमेज अच्छी लगे वो आपको एक इमेज सेलेक्ट करके प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देनी, तो यहाँ पर आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। फिर आपको आ जाना कुछ इस तरह से बैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी इमेज कुछ इस तरह से ऐड हो गई, जो कि देखने में बहुत ही कमाल की लगेगी। तो यहाँ पर आपको दो ग्रुप और देखने को मिलेगा, तो इन दोनों ग्रुप में भी आपको ऐड इमेज करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट में ऐड किया था, ग्रुप पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ब्लैक कलर की लेयर दिखाई देगी, इन दोनों ब्लैक कलर वाली लेयर में आपको सेम इमेज सेलेक्ट कर देनी। तो यहाँ पर मैं ऐड करके दिखा देता हूँ यहाँ पर एक इमेज, तो कुछ इस तरह से आपको सेलेक्ट कर देनी है, जो भी इमेज अच्छी लगे वो आपको एक सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद देन आपको कर देना प्लस वाला आइकन पर क्लिक, तो यहाँ पर आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। फिर बैक आना है, फिर यही इमेज आपको इस लेयर में भी आपको सेलेक्ट करके ऐड करनी है।
तो ये हमने ये वाली इमेज सेलेक्ट की, तो यही आपको फिर से सेलेक्ट करके प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देने, तो यहाँ पर आपकी इमेज ऐड हो जाएगी, फिर बैक आ जाए तो यहाँ पर आपकी इमेज ऐड हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसी तरह से आपको अगले ग्रुप में भी आपको इमेज ऐड कर देनी जो भी आपको अच्छी लगे। फिर आगे एक साइड में होगा तो एक और ब्लैक कलर की लेयर देखिए, इसमें भी आपको इमेज ऐड करना। आगे एक साइड में जो वीडियो क्लिप की लेयर है इसमें आपको वीडियो क्लिप ऐड कर देना, जो 10 सेकंड का है वो वाला यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप ऐड करना है। और दो ग्रुप ऊपर की साइड में दिखे दे रहे, इन दोनों में आपको इमेज ऐड कर देनी। इमेज ऐड करने के बाद यहाँ से आना आपको आगे एक साइड में इस बीट मार्क पर 13.22 पर आकर आपको क्या करना, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना। मीडिया पर क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, फिर आपको जो भी वीडियो इमेज लेनी है वो आपको एक एक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ इमेज आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से सेलेक्ट करना, यहाँ पे आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक एक करके सारी इमेज को अच्छे से एडजस्ट करना, तो फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना, अगला बीट मार्क पाना, पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट इस वाला आइकन पे क्लिक करके कट कर देना, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको कर देना फुल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक, जिससे आपकी फोटो पूरे स्क्रीन पे हो जाएगी। फिर आना यहाँ से बैक, फिर इसी तरह से आपको सेकंड इमेज पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो आपकी फोटो इस बीट मार्क तक आ जाएगी। यहाँ से अगले बीट मार्क पा के पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना, देन थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको भी आपको पूरे स्क्रीन पे कर लेना फुल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके। तो कुछ इस तरह से आपको बीट के अनुसार सारी फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेनी। तो जल्दी से मैं सारी फोटो अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बीट के अनुसार सारी फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह से आपको भी एक एक करके सारी फोटो को बीट के अनुसार अच्छे से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फोटो हमने ऐड की थी इनमें आपको इफेक्ट ऐड करना। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ से आना आपको बैग आके यहाँ से करना आपको सेगीपेड प्रीसेट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको तीन फोटो ऐड की मिलेगी। इन तीनों फोटो पर आपको अलग अलग पेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सारी पेड को कॉपी करके पेस्ट करना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फोटो का इफेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट करोगे तो आपकी फर्स्ट फोटो का इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। फिर बैक आना, यहाँ से करना आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रीसेट को ओपन करने के बाद यहाँ से आ जाना आपको आगे एक साइड में कुछ इस तरह से। आगे साइड में होगा तो जहाँ से आपकी फोटो स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आना आपको 13.22 पे। यहाँ पर आने के बाद जो फर्स्ट फोटो उस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पेड कर देना तो इस फोटो पे आपका इफेक्ट ऐड हो जाएगा। फिर बैक आना, फिर इसी तरह से सेकंड फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करके देन थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पेड करोगे तो आपकी सेकेंड फोटो पर भी इफेक्ट ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको एक एक करके सारी फोटो पे ये वाला इफेक्ट वो ऐड कर देना। ये वाला इफेक्ट कहाँ तक ऐड करना है इसके लिए आपको क्या करना, नीचे की साइड में आना। नीचे की साइड में होगे तो यहाँ पे मैंने लेयर ऐड कर रखी है जिससे आपको आसानी से समझ जाएगा कौन सा इफेक्ट कहाँ तक ऐड करना है। एक नंबर वाला इफेक्ट वो यहाँ से लेकर जहाँ पे येलो कलर की लेयर एंड होगी वहाँ तक आपको एक नंबर वाला इफेक्ट ऐड कर देना इस बीट मार्क तक। यहाँ तक एक नंबर वाला इफेक्ट ऐड करने के बाद फिर बैक जाना, सेकंड फोटो का इफेक्ट कॉपी करके ले आना। आपको यहाँ पे देख सकते हो दो नंबर वाला इफेक्ट है वो यहाँ 22.17 से लेकर जहाँ पे ये लेयर एंड होगी वहाँ तक आपको दो नंबर वाला इफेक्ट ऐड कर देना। फिर तीन नंबर वाला इफेक्ट लास्ट की फोटोज पे ऐड करना। तो जल्दी से मैं सारे इफेक्ट अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हमने सारी फोटो पे इफेक्ट ऐड कर दिया, आपका स्टेटस वीडियो बनकर तैयार हो गया। अब आपको इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इस वाला आइकन पे क्लिक करना, यहाँ से कर देना आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक, जिससे आपका वीडियो एक्सपोर्ट होकर गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।